मम्मी की भी हालत खराब है, वो 75 साल के हैं, उनकी भी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, और मेरी मम्मी को भी एक आंख से दिखाई नहीं देता, और मैं अकेला में नौकरी करता नौकरी पे जाता हूँ, और मैं भी विकलांग हूँ आप जाना चाहती हो पापा के साथ? सर। इवन दो क्यों, अपन मदर मदर के साथ नहीं रहोगी? दोनों मेरे पेरेंट्स थे सर, इतने टाइम से मम्मी के साथ ही। और सर आई एम अबाउट टू कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, और नेक्स्ट ईयर तक मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाऊंगी, मैं दोनों का सपोर्ट आई विश टू से समथिंग शी माइन ऑफ क्या बोलना चाहिए? इसमें एप्लीकेशन किसने लगाई डॉक्टर की कस्टडी के लिए? करूंगी। इनको डॉक्टर को भेज दे, दे दी जाए ऐसी। हाँ, ये क्या कहना है आपका? अरे साहब इतने समय से तो कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे आप रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहेंगे इतना बताओ। नहीं साहब मेरा मुश्किल है रखना, बहुत मुश्किल है, बस क्योंकि ठीक मेरे है, पापा मम्मी की भी हालत खराब है, वो 75 साल के हैं, उनकी भी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, और मेरी मम्मी को भी एक आंख से दिखाई नहीं देता, और मैं अकेला में नौकरी करता नौकरी पे जाता हूँ, और मैं भी विकलांग हूँ, पैर के कारण तकलीफ होती है, पैर के कारण मेरी कमर में दर्द होने लगा है साहब। अब मैं एक बच्चे को कैसे संभालूंगा, कैसे ध्यान दूंगा, फिर वो बुजुर्ग माता पिता को वो देखूं, क्या करूं नहीं, मैं उन्होंने उन्होंने अपने एप्लीकेशन में लिखा है कि आप ले जाने के लिए तैयार साहब। जवाब नहीं लिखा, हो। जवाब में आपने लिखा हुआ है पुराने वकील साहब ने कुछ करा वो होगा उसका, जो मेरे को उसका खेद है, मैंने जो जो उनको बोला मैंने उनको भी इसकी पोजीशन दी। और कस्टडी ऑफ दी चाइल्ड शी इज ऑलरेडी मेजर। 20 20 इयर्स एंड मोर क्या कहना है आपका? आप जाना चाहती हो पापा के साथ? सर। इवन दो क्यों, अपन मदर मदर के साथ नहीं रहोगी? सर दोनों ही मेरे पेरेंट्स थे सर, इतने टाइम से मम्मी के साथ ही। और सर आई एम अबाउट टू कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, और नेक्स्ट ईयर तक मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाऊंगी, मैं दोनों का सपोर्ट करूंगी, दादा दादी को पापा सपोर्ट करते हैं, उनको कौन करेगा, और मैं फाइनेंशियली कैपेबल हो जाऊंगी, इनका भी बर्डन हल्का हो जाएगा, मम्मी और भाई को भी सपोर्ट कर दूंगी। देखिए, हमने इसलिए बुलाया, अगर पूरी विलिंगली दोनों तैयार है तो ले जाए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी करेंगे इसमें हम लोग कुछ। सर परसों दिस इज नॉट अंडर दी गार्जियंस व्हाट्सएप, शी इज ऑलरेडी मेजर लाइक आई थिंक। यस सर, यस अ डे बिफोर यस्टरडे आई टॉक टू हिम, ही सेड दैट कि ओके आई एम ओके विद इट, यू कैन कम विद मी, लाइक आई वाज टॉकिंग। वी विल नॉट एंटर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिसाइड डाइवोर्स ऑफ योर पेरेंट्स, नॉट कस्टडी ऑफ यू योर सेल्फ एंड योर ब्रदर। सर सब्जेक्ट मैटर समझ में आना चाहिए। आप वकील साहब लोग हैं, आप तो बताइए इनको कि क्या ये सब डिसाइड हो सकता है इसमें। व्हाई आर वी वेस्टिंग टाइम, यू प्लीज आर्ग्यू ऑन द मेरिट्स ऑफ दिस केस, वी विल कंफर्म द डिग्री आदर रिवर्स इट व्हाट एवर इट इज। एक्सपर्ट लीगल ही नहीं कर रहे, जो नैतिक जवाबदारी के नाते भी पिता से अपेक्षा करेंगे। चीज 200 स्क्वायर फीट के मकान में इन्होंने ही एंजॉयिंग थी बंगलो, इज नॉट द इशू इन दिस केस, आई नो योर प्रॉपर्टी योर बंगलो दैट इज नॉट द इशू। अरे पहले एक बार बताइए क्या पेश किया आपने रजनीश ने, आकर क्या पेश किया? मैंने एफिडेविट पेश किया सर, कहां है वो? ये 6/7/2023 को आपका लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी लगना है सर। इसे डिसाइड करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि अपने को टाइम पास करने में। आप कुछ भी आर्ग्यू करेंगे तो विल नॉट कंसीडर ऑल दीस थिंग्स। ठीक है, यू यस्टरडे टोल्ड दैट ही इज अर्निंग 50,000 अराउंड। वेयर इज द लेटेस्ट पे स्लिप? मतलब फोर्थ क्लास एम्प्लॉई, एक साल में एक इंक्रीमेंट भी लगा होगा। फोर्थ क्लास नहीं, क्लास फोर, क्लास फोर, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, मतलब वो कैटेगराइज कर दिया आपने, ये थर्ड क्लास आदमी है या फोर्थ क्लास, ऐसा नहीं है। उसको क्लास थ्री बोलिए, क्लास फोर, क्लास फोर, क्लास थ्री, दैट इज द वे टू एड्रेस, अदरवाइज वो थर्ड क्लास हो जाएगा। लास्ट लास्ट पे स्लिप बताइए। नहीं वो तो नहीं लाया, वही तो लाना जरूरी है, उसी में तो आज की सैलरी मालूम पड़ी है ना। आज केस डिसाइड हो रहा है, इसमें थोड़ी डिसाइड हो रहा। नहीं उस समय जिस समय मैंने पेश किया था उस समय ये सैलरी थी। आई नॉट व्हाट इज द सैलरी टुडे ड्राइंग, आपको तो मालूम है ना सर्टिफिकेट और उसकी जरूरत नहीं। आप बताइए कितना मिल रहा है आपको ग्रॉस? वो साहब ऐसे 42,000 कट पिट गए। हाँ ग्रॉस पूछ रहा हूँ मैं आपको, ये जो आपने सर्टिफिकेट लाया है ग्रॉस का लगाया ना, नेट का लगाया क्या? ग्रॉस 43 है और सर आफ्टर डिडक्शन 39 है उस समय। हाँ, एक साल पहले हम देखिए आपसे बार बार निवेदन करते हैं
आज के डेट में बताइए कितनी ग्रास है कितनी नेट है, टोटल 43 मिनट है आज कितने हो गए, क्यों आप बोलने लगाते हैं 50,000 वही थी या कुछ लगे ने लगे, दैट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग इफ यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग इट आफ्टर डिडक्शन ही सेज नाउ इज गेटिंग 42,000 आफ्टर डिडक्शन ग्रॉस इज 44 नहीं 2000 का भी डिडक्शन होगा नहीं, अब ये तो 42,000 बता रहे हैं जो आप आफ्टर डिडक्शन 39 for the party to submit affidavit in the light of Supreme Court decision Rajneesh Neha and both the parties submitted their affidavit. Below, in affidavit below, we claim maintenance 30,000 rupees and there is, and we clearly stated in our affidavit that there is no other dependent except appellant and their children below. No other dependent, mother not dependent, father not. How much amount do you want? चाहिए आपको 50,000 कैसे देंगे जब 42 इनके हाथ में आ रहा है कट पीट के सर, ये नियर अबाउट 50 है इनका पर ये नहीं बता रहे कोर्ट को कल भी ये इंटरफेयर कर रहा है हम लोग ना बिना हियरिंग किए भी ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि हियरिंग तो कोई चली नहीं रहा है In this case, again, the decree of divorce has been passed against the appellant. There is the ground of cruelty which have been pleaded. So, tell me, thoda kab shaadi hui thi inki? The marriage took place on 14/12/2003. And they are independent from 2010, May 2010. Living separately since? May 2010. Yes, sir. ठीक है. Yes. You know the ground of cruelty which are mentioned in the petition submitted under section 13 before the trial court. Trial court ने माना cruelty नहीं माना ना? माना. छुट्टी माना उसके आधार पे cruelty की डिक्री की हमारे यहाँ से. That is under challenge in the copy. The husband had filed the husband has filed petition under section 13 against the wife and he said that विवाह के पश्चात अभिलाषी का व्यवहार अच्छा नहीं रहा, परिजनों से झगड़ा करती थी, काम नहीं करती थी, देर से सोकर उठती थी, ब्रासलेट डालकर आग लगाने और दहेज के झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देती थी, पहला गांव दूसरा पत्थर के दबाव में आकर अभिलाषी के घर जवाई रहा, तत्पश्चात 20 विद्या पैलेस में किराए का मकान लेकर रहा, तत्पश्चात शासकीय क्वार्टर आवंटित करवाया और अपीलार्थी के व्यवहार के प्रति पूर्णतापूर्ण व्यवहार रहा. दिस इज बेसिक क्रुएल्टी एलिगेशन ब्लॉट इन दी पिटिशन अंडर सेक्शन 13 विच हैज बीन फाइल ब्लॉट एंड दैट इज मेंशन इन द इम्प्रूविंग जजमेंट पैरा 3 ब्लॉट पैरा 3 ऑफ द इम्प्रूविंग जजमेंट में काइंडली बी पेरूज ब्लॉट पैरा उसके परिजनों से बात बात पर झगड़ा करती नहीं करती, देर से होकर उठती, दहेज मांगने की रिपोर्ट कर बंद करवाने की धमकी देती थी, प्रार्थी के परिजनों ने की शांति के लिए प्रार्थी को विवश होकर अलग कर दिया, प्रति प्रार्थिया के दबाव में आकर प्रार्थी घर जवाई बनकर रहा, लेकिन घर जवाई बनकर रहना गवारा नहीं होने पर प्रति प्रार्थिया ने अपने मायके के मकान 20 विद्या पैलेस में ही पृथक से किराए का मकान रहने के लिए विवश किया,
लेकिन वहां भी पति प्रार्थी का व्यवहार नहीं बदलने पर एक वर्ष तक सहने के बाद मजबूर होकर स्कीम नंबर 51 में किराए का मकान लिया, लेकिन वहां भी पति प्रार्थी अपने क्रोधित और झगड़ालू स्वभाव से मकान मालिक पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करती, समझाने पर प्रार्थी से लड़ाई झगड़ा करती, अपशब्दों को संबोधित करती। किराया अधिक होने से प्रार्थी ने राजीव आवास विहार में सरकारी क्वार्टर आवंटित करवाया, वहां भी प्रति प्रार्थिया के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रति प्रार्थिया का संचिला स्वभाव होने से प्रार्थी से और नौकरी करने का कहती थी। प्रार्थी द्वारा ठीक है, मतलब प्रायोरिटी का ग्राउंड प्रूव हो गया। नो विटनेसेस एग्जामिन एंड यू सी दीज आर द प्लेडिंग्स ब्लॉक इन रिप्लाई वी आर स्टेटमेंट। अभी बताइए आज के स्टेटस में, जब 2000 कितने साल हो गए, 21 साल हो गए, आप लोग वी हैव ऑलरेडी ट्राइड टू सेटल द इशू, नोबडी, यू डोंट वांट टू सेटल द इशू, सो आफ्टर 21 इयर्स आर यू गोइंग टू रिसाइड? यू आर नॉट गोइंग टू रिसाइड, सो इट विल अमाउंट टू इरिट्रीवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। That ground is ready to go with. Huh? Why? No. But if he is ready to leave, but he is not ready to take her back after such a long period. He is not ready. That we have already undertaken. That exercise is over now. Yeah. We are on merits. After 21 years, is it possible to live together? It is not possible at all. Though it would amount to irretrievable breakdown of marriage. So by ground of 13. About the cruelty, that should be proved, and only on that ground the decree can be passed. It is not under section 13B that you both the party are ready to live separately. Once the ground of cruelty not cruel, it will be raised in this appeal, and the in the we can dispute on the ground of cruelty rule get down. Now then should be put on the to one is the no high court any of the cruelty rule is broken on what to should be put is the judgment. Okay, please.